हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड मेरा नाम कलीम है। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं या जो लोग मुझे यहाँ पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे कुवैत में रहता हूँ। और आज मैं यहाँ पे एक अलकूत नाम की एक जगह है फाहिल में, तो वहाँ पे मैं आया हूँ। तो उसके अंदर जा कर के देखेंगे, एक इसके अंदर एक फ़िश मार्केट है और एक बहुत सारे फाउंटेंस भी हैं, तो वो सब मैं आपको शो करूँगा। यहाँ पे पास में एक अलकूत मॉल है, सो उसको भी ट्राई करूँगा मैं दिखाने के लिए, क्योंकि इससे पहले मैं यहाँ पे एक बार आ चुका हूँ। सो वो वीडियो बहुत ही लंबी हो गई थी, तो आज मैं दोबारा यहाँ पे आया हूँ, तो इसके अंदर जा कर के आप आज मैं शूट करूँगा। तो चलिए देखते हैं, लेट्स गो। गाइस, मैं यहाँ पे अभी आया हूँ। मैं यहाँ पे पहली बार नहीं, बहुत बार यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ आया हूँ, कुछ अलग ही बात है यहाँ पे, अलग ही फीलिंग्स आ रही, क्योंकि पहले बहुत बार मैं यहाँ पे आया हूँ। बहुत ही यहाँ पे क्राउड रहता है यहाँ पे, अगर आप शाम के टाइम आओगे तो बहुत ज़्यादा पब्लिक यहाँ मिलेगी। गाइस, मैं अभी ये अलकूत के अंदर में हूँ। जो भी अभी तक मैंने आपको दिखाया वो अलकूत के अंदर में है, उसके बाहर का भी दिखाना बाकी है, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सो मैं बता दूं कि यहाँ पे तो मैं तो बहुत बार यहाँ पे आ चुका हूँ, कोई अंदाज़ा नहीं है, पहले बहुत बार मैं आ चुका हूँ, लेकिन ये वीडियो में मैं पहली बार शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पता नहीं बहुत से लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे नहीं आए होंगे, तो जो यहाँ पे नहीं आए हैं वो देख लें यहाँ पे, यहाँ पे अंदर का कुछ ऐसा सीन रहता है।
एक चीज़ और मैं बता दूं भाई लोग यहाँ के, जब मैं अभी एक अंदर में जब शूट कर रहा था तो वहाँ पे एक मैकडोनल्ड्स है, तो वहाँ पे बहुत से लोग मतलब मैकडोनल्ड्स में आ कर के बैठे हुए कुछ खा पी रहे थे, तो उनमें से ज़्यादातर यहाँ पे कोयती लोग जो होते हैं वही लोग आते जाते रहते हैं ऐसी जगह पर। तो वहाँ पर मैं शूट कर रहा था तो वहाँ पर एक कोयतन लड़की थी, वो आई यहाँ पर, तो जब मैं वीडियो बना रहा था तो उसमें वो भी आ गई, तो उसको क्या लगा कि शायद मैं उसके लिए उसका वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो तुरंत वो मेरे पास आई और आकर के बोलने लगी मेरा वीडियो क्यों शूट कर रहे हो। तो मैंने बोला नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे वीडियो आपका शूट नहीं करना है, मैं यहाँ पर ऐसे ही वीडियो शूट कर रहा हूँ ब्लॉग के लिए। तो उसको पता नहीं अरबी बोल रही थी, वो इंग्लिश शायद नहीं मालूम थी, तो मैंने ट्राई किया एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन वो नहीं, उसने नहीं सुना। तो उसने बोला कि ये वीडियो जो शूट किया तुमने इसको डिलीट करो। तो मैंने बोला ठीक है, तुम मेरे पर ट्रस्ट नहीं करोगे शायद, मैंने अपना मोबाइल उसी को दे दिया और बोला कि अपने हाथ से खुद ही डिलीट कर दो। उसने डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद भी बोले कि और भी कितना शूट किया नहीं डिलीट हुआ, और भी फोल्डर्स में जाओ वहाँ से डिलीट करो। मैं बोला यहाँ से यही शूट किया था और ये डिलीट हो गया अभी। तो उसके बाद में वो पूरी मेरी गैलरी में घुस गई, घुसने के बाद पूरे मेरे फोटो जितने भी थे सब कुछ देख लिया। फिर मैंने उसको जब समझाया कायदे से तब समझ में आया उसको। उसके बाद में भी फिर बोलती है, उसने बोला कि अपना नंबर दो। नंबर मैं बोला ठीक है नंबर ले लो, तो नंबर दे दिया। उसके बाद तुरंत मुझे कॉल किया लोकल पे, उसके बाद में बोला इसको व्हाट्सअप है कि नहीं है, मैं पता नहीं व्हाट्सअप मेरा क्यों पूछा उसने। तो मैं बोला ठीक है, इसी मेरे सेम नंबर पर लोकल भी है व्हाट्सअप भी, तो दोनों ही दे दिया। उसके बाद में अरबी में पता नहीं उसने क्या बोला, उसके बाद वो चली गई। तो एडवाइस यही देना चाहूँगा सबको कि जहाँ यहाँ पर कभी भी अगर कोई फ़ोटो लो या फिर कोई वीडियो शूट करो तो ध्यान रखना कि ख़ास करके जो यहाँ पे कोयती लोग रहते हैं, कोयती पीपल जो रहते हैं, उनसे थोड़ा केयरफुली रहना, कोई भी फ़ोटो उनके आसपास में नहीं लेने का या फिर कोई भी वीडियो शूट करने का तो ख्याल रखना ये चीज़ का। अगर उनसे पूछ करके आप कोई वीडियो शूट कर रहे हैं या फ़ोटो ले रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर उनसे बगैर पूछ करके कोई भी वीडियो शूट करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरे साथ ये चीज़ हुआ, तो पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है लेकिन आज ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो वही मैं आपको शेयर कर दिया। सो गाइज, नाउ मैं अभी लाइट हाउस, यहाँ पे एक लाइट हाउस है तो वहाँ पे उसके ऊपर बिल्कुल मैं आया हूँ। तो सबसे अच्छा जो अगर नज़ारा यहाँ पे दिखता है यहाँ पे, वो यहीं से आके दिखता है लाइट हाउस के ऊपर। आप जब आओगे और यहाँ से आप पूरा हर चीज़ आसपास के जितना भी चीज़ें हैं सब आप देख सकते हो, और बहुत ही अच्छा यहाँ से दिखता है सीन। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लगता है यहाँ पे। मेरे पीछे देखिए कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे। थोड़ा और मैं पीछे जाता हूँ, मैंने शूट किया वो फाउंटेन एरिया जो था उसको मैंने कवर किया। अब हम जाएंगे ये जहाँ पे फिश मार्केट है उसके अंदर हम जाएंगे, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ओके, गाइस अभी मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ, हर चीज़ मैंने कवर कर ली है। फ़िश मार्केट मैंने आपको दिखाई, तो वहाँ पे हर टाइप की, हर तरीके की मछली मिलती है। तो अगर आप मछली खाने के शौकीन हैं तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, और जो भी आपको चाहिए, जो भी जिस टाइप की भी फ़िश चाहिए आपको वो यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सी से डायरेक्ट समंदर से ये लोग पकड़ के लाते हैं और यहाँ पे सेल करते हैं डायरेक्ट सी के समंदर। यही सी साइड के पास में ही सी फिश मार्केट है, तो यहीं पे डायरेक्ट वो लोग सेल कर देते हैं। तो उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर, एक बहुत बड़ी सुपर मार्केट भी है, तो वहाँ भी
आपको जो भी शॉपिंग करना है, खाने पीने की चीज़ या हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आओ और आकर के देखो यहाँ पे। आप कैसे आ सकते हैं, टैक्सी से आना चाहें तो टैक्सी से आ सकते हैं, या फिर बस से आना चाहें तो बस से भी आ सकते हैं, हर तरीके से यहाँ पे आ सकते हैं। ओके, सो ये मेरा वीडियो यहीं तक था, और इसके बाद में अब नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह पे शूट करेंगे और कोई नई जगह आपको हम दिखाएंगे यहाँ पे कोई इससे रिलेटेड। सो गाइस, मेरा ये आज का भी व्लॉग जो है वो यहीं तक था। सो अगर आपको ये लाइक पसंद आया हो मेरा ये व्लॉग, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, और आने वाले अगर आप चाहते हैं कि मेरे और भी व्लॉग्स देखें, आने वाले जो भी व्लॉग मैं अपलोड करूंगा इस चैनल पे, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का जो भी मैं अपलोड करूंगा वो उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो तब तक के लिए मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग को एक बात बता दूँ कि मैं यहाँ भी एक मैकडोनल्ड्स में हूँ, ये जो अलकोत है उसी के सामने एक मैकडोनल्ड्स है, तो वहाँ पे एक आइसक्रीम मिलती है 150 फिल्स की, ओनली 150 फिल्स की। तो आप जब भी यहाँ पे आएँ तो इस आइसक्रीम को ज़रूर खाएं, क्योंकि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलिशियस होता है। सो मैं जब भी आता हूँ तो इस आइसक्रीम को ज़रूर खाता हूँ, तो आप भी जब आएँ तो यहाँ पर ज़रूर आएँ।